नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतीक भूषण सिंह के बारे में। प्रतीक भूषण का जन्म 1 मई 1988 को भूषण परिवार में हुआ। उनके पिता वर्तमान में कैसरगंज से सांसद हैं, जिनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, तथा माता का नाम केतकी सिंह है। उनके गांव का नाम बिश्नोहर है। उनकी शादी डॉक्टर राजश्री सिंह के साथ हुआ था। इन दोनों के एक बेटा है। प्रतीक भूषण सिंह के पिता बीजेपी के दिग्गज सांसद हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वह राजनीति के महान खिलाड़ी माने जाते हैं। प्रतीक भूषण की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एआर फोर्स स्कूल से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रतीक भूषण ऑस्ट्रेलिया के रुख किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की स्नातक की डिग्री हासिल की। प्रतीक भूषण की पत्नी एक चिकित्सक हैं। राजनीति हो या घर के कामों में पत्नी का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहता है। सामाजिक जीवन में संघर्ष और स्वाध्याय से युवा विधायक बने प्रतीक भूषण युवाओं के रोल मॉडल बन गए हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा में पहली बार गोंडा सदर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोंडा के सदर सीट से बीजेपी की टिकट पर फिर से लड़ा, जहां उन्होंने लोकप्रिय गोंडा के सपा नेता पंडित सिंह के बेटे सूरज सिंह को हराकर विधानसभा में दस्तक दी। प्रतीक भूषण के पिता लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने 1991 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहां वह सांसद बने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पत्नी को 1996 में सांसद बनवाने में कामयाब हुए। इसके बाद 1999 व 2004 और 2009 उसके बाद 2014 व 2019 में लगातार वह चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वह लोकसभा सीट बदल के लड़ने पर भी अपना कब्जा बरकरार रखे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।